महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में रविवार को 4 बजे आगमन होगा, जहां वे कॉलेज के प्रबंधक एवं ख्याति लब्ध अधिवक्ता स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा कॉलेज में स्थित नवीनीकृत राम गरीब लाल सभागार का लोकार्पण करेंगे। यह सभागार करीब 110 वर्ष पुराना है, जिसमें ध्वनि अवशोषण व्यवस्था के साथ साथ उच्च कोटि के स्पीकर आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के बैठने के लिए 30,000 वर्ग फीट के जर्मन हैंगर पद्धति वाले पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी और मंच पूरी तरह वातानुकूलित रहेगा, जिसमें विद्यालय के लगभग 5,000 विद्यार्थी पंडाल में मौजूद रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक तथा नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, लोगों को अब बाहर कराएंगे, कैसे आप उन सारे सामान को और हटा लेंगे वहां से, बाकी वो जाके मैं उसमें बैठ जाएंगे, पर 11,000 है तीनों विद्यालय, लेकिन उस दिन 5,000 हम लोग मान के चल रहे, रविवार का दिन है तब भी इतने बच्चे तो अवश्य रहेंगे। या नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज का सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 28 अगस्त को शाम 4 बजे हमारे दोनों परिसर में आ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है। पहला, हमारा पूर्व प्रबंधक प्रेम नारायण जी की मूर्ति का अनावरण, निर्मल प्रेम वाटिका का। दूसरा, हमारा जो 110 वर्ष पुराना हॉल था, जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका दोबारा पुनर्जीवन जो हम लोगों ने कराया है, उसको लोकार्पित करेंगे वो पुनः। और तीसरा, हमारा जो एक अभिनव प्रयोग है, वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद जो सोसाइटी प्रारंभ कर रही है, 60 के ऊपर के पुरुष महिला कोई भी इसके सदस्य हो सकते हैं, वो हमारे विद्यालय में आएंगे, 10 से 4-6 घंटे रहेंगे, उनके अल्पाहार भोजन की व्यवस्था सोसाइटी करेगी, उनके इंडोर गेम, पढ़ने अध्ययन मैगजीन सब की व्यवस्था लाइब्रेरी में रहेगी, पूरा वातानुकूलित 1500 वर्ग फीट का वो परिसर बनाया गया है। वो इसके सम्मान में हमारे विद्यालय के तीनों विद्यालयों के बच्चों को अपनी जो 60 वर्ष का जीवन अनुभव है, 65 वर्ष का जीवन अनुभव है, वो उन बच्चों को देंगे और नैतिक शिक्षा भी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि परिसर 15 एकड़ का है तो उनको चलने में दिक्कत ना हो, अति बुजुर्ग लोगों के लिए व्हीलचेयर भी रखी गई है मोटराइज, और एक ई रिक्शा रखा गया है जिसमें बैठकर वो डिग्री कॉलेज और गर्ल्स स्कूल तक बच्चों को ज्ञान देने के लिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जो सभा हो रही है, वो जर्मन हैंगर पद्धति का पंडाल है, उसमें पंखे लग रहे हैं, मंच वातानुकूलित है और पूरा का पूरा 6,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था, जिसमें नगर के लगभग 1,000 अतिथि और हमारे 5,000 तीनों विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राएं उसमें रहेंगी। हम अपने पूर्व शिक्षक जो हमारे डिग्री कॉलेज के हैं उनका सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री के हाथों, और जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं जिन्होंने इस वर्ष सर्वोच्च अंक यूपी बोर्ड में प्राप्त किया है, उनका सम्मान करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महाराज जी का उद्बोधन जो लगभग 40 मिनट का होगा, और उसमें वो नई शिक्षा नीति, प्रदेश के युवा के लिए क्या सरकार कर रही है, इस पर अपने विचार रखेंगे। यह पूरा का पूरा 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट उन्होंने हमारे विद्यालय को उस दिन आवंटित किया है।